हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 6। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इंश्योरेंस अवेयरनेस की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, जिसमें सारे ही इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेक्चर्स हमने ऐड कर दिए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, IRDAI हैज मैंडेटेड ऑल इंश्योरेंस कंपनीज टू मेंटेन अ मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ -% टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी। तो यहाँ पे देखो, जैसे आरबीआई जो है, आरबीआई ने मैंडेटरी किया हुआ है कि कमर्शियल बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है, ठीक है। एसएलआर कितना है अभी, 18% है, उतना मेंटेन करना है सारे कमर्शियल बैंक को, ठीक है। ऐसे ही आईआरडीएआई ने भी यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है कि 150% सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो मेंटेन करना है किसे, जो आपके सारे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन एन एजेंट कलेक्ट्स द प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर एंड री इमिट्स इट टू द इंश्योरर ऑफिस, ही इज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ डैश। सो ये एक्ट कर रहा है एजेंट ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इंश्योरर से भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किशोर कुमार पोलुदासु वॉज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे आपके एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के इन मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी, ये एस्टैब्लिश किया गया था फेब्रुवरी 2009 में, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है। क्या टैगलाइन है, सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इन अक्टूबर 2022 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेव अप्रूवल टू मर्ज विच कंपनी विद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो कौन सी कंपनी को मर्ज किया गया था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। कौन सी कंपनी है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। एंड अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे है, ये भी लोकेटेड है आपका मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है, विदा पदलकर, ठीक है। बहुत बार कवर भी कर लिए हमने। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस अ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान विद एन एक्सीडेंटल डेथ कवरेज ऑफ ₹10 लाख। सो करेक्ट आंसर आपका है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 2018 में, ठीक है, 1 सितंबर 2018 को इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, जे वेंकट रमन। क्या नाम है इनका, जे वेंकट रमन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI सेट्स अप 15 मेंबर कंसल्टेटिव कमिटी टू इंक्रीज हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया, द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय होम। सो ये कमिटी आपकी अगेन अक्टूबर में बनाई गई थी, और यहाँ पे इसके आपके चेयरपर्सन पूछे गए हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राकेश जोशी इसके चेयरपर्सन है, और इस कमिटी को जो बनाया गया है ये 2 साल के लिए ऑपरेट करेगी, ठीक है, फॉर द 2 ईयर। Now next is a type of risk where large group of policy holders are adversely affected by a single phenomena such as natural disaster is known as dash. तो इस टाइप के आपके रिस्क को हम क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट रिस्क। कौन सा रिस्क होता है, कोवेरिएंट रिस्क। Now next question है, a type of life insurance policy where several members are included under one master policy owned by the employer or a nodal agency is known as dash. तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को या इस टाइप के प्लान को हम बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ बीमा सुगम। बीमा सुगम क्या है, आपका एक पोर्टल है जहां पे IRDAI ने अलाउ किया है सारी इंश्योरेंस कंपनी को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, वो अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है इफेक्ट में कब से आया था, तो 1 जनवरी 2023 को इसे स्टार्ट किया गया था, और ये 1 जनवरी से इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर विद मेडिक्स टू ऑफर स्पेशलाइज क्रिटिकल इलनेस कवर। सो करेक्ट आंसर आपका है, यहाँ पे पार्टनरशिप की थी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी की गई थी 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये आपका है लोकेटेड मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इसके सीईओ कौन है, नवीन तलही यानी, ठीक है, इनका नाम क्या है, नवीन, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, तलियानी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद गपशप टू लॉन्च इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी वाया व्हाट्सएप। सो कौन सी इनमें से आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, तो आंसर आपका हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज इसके MD एंड CEO अक्टूबर में अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या था, किशोर कुमार ओलुदासु, ठीक है। हेडक्वार्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई में, और 2009 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज यहाँ पे जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई थी, इसका मेन मोटिव क्या है, दैट इज कि व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी जो पॉलिसी है वो बाय कर सकते हो, या फिर अपनी पॉलिसी जो है वो रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च धन वर्षा और लाइफ इंश्योरेंस प्लान दैट प्रोवाइड्स बोथ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान था आपका, ये किसने जो है लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था LIC ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था। अब यहाँ पे दो ऑप्शन उन्होंने दिए थे, एक 10 साल के लिए था, एक 15 साल के लिए था, ठीक है। मिनिमम एज की बात करें तो 3 ईयर्स से, और मैक्सिमम है आपकी 60 ईयर्स, ठीक है। और जो ये धन वर्षा प्लान आपका लॉन्च किया गया था, इसमें बेसिकली ये गारंटीड आपका प्लान था, जिसमें डेथ बेनिफिट हो या मेच्योरिटी बेनिफिट हो, दोनों में ही बेसिकली यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, MRI इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज टेकन व्हेन अप्लाइंग फॉर अ हाउसिंग लोन फ्रॉम अ बैंक, व्हाट डज MRI स्टैंड्स फॉर। सो MRI का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो MRI यहाँ पे MRI का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज मोर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मोर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस आपका फुल फॉर्म होता है MRI का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड चार्जेस दैट नीड टू बी पेड फॉर लॉजिंग द कंप्लेन विद द इंश्योरेंस ओम्सबॉन। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें आप जो है कंप्लेन लॉज कर सकते हो इंश्योरेंस ओम्सबॉन में, तो आंसर आपका क्या है, कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगती है कंप्लेन को लॉज करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म अ डैश मेंबर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस एम देवसिया टू डेवलप रूरल इंश्योरेंस कवर। तो यहाँ पे कितने मेंबर की एक कमेटी थी, तो 24 मेंबर की एक कमेटी थी जो बनाई गई थी डेवलप करने के लिए रूरल इंश्योरेंस कवर को, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद द पॉलिसी बाजार टू लॉन्च हेल्थ गेन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को जो है लॉन्च किया था रिलायंस ने, तो इस पॉलिसी का नाम भी क्या रखा गया था, रिलायंस हेल्थ गेन, ठीक है, रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने इस पॉलिसी को जो है लॉन्च किया था, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है राकेश जैन, ठीक है, क्या नाम है, राकेश जैन। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने सजेशन शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।